सरदार शहर में सगाई के बाद जीजा ने शादी में रोड़ा अटकाया तो युवक युवती ने की लव मैरिज। अब मिल रही जान से मारने की धमकी तो पहुंचे एसपी दफ्तर। जीजा की धमकियों से तंग आकर सरदार शहर निवासी एक प्रेमी युगल एसपी से गुहार लगाने एसपी ऑफिस पहुंच गया। मामला चूरू जिले की तहसील सरदार शहर का है, जहां बताया जा रहा है कि प्रेमी युगल को लड़की की जीजा की ओर से जान से मारने की धमकी मिल रही है, जिससे डरकर अब प्रेमी युगल पुलिस की शरण में पहुंच गया है। दरअसल चूरू जिले के सरदारशहर तहसील के युवक युवती की सगाई के बाद शादी में जीजा ने रोड़े अटकाए तो दोनों ने अपना घर छोड़कर गाजियाबाद में लव मैरिज कर ली। अब दोनों को जान से मारने की धमकी मिली तो वे एसपी दफ्तर पहुंचे और सुरक्षा की गुहार लगाई। जानकारी के अनुसार सरदारशहर के रामनगर बास निवासी लक्ष्मी सेनी ने बताया कि वह वार्ड संख्या 22 निवासी मनोज सेनी को बचपन से जानती है। 3 महीने से उनके बीच प्रेम प्रसंग चल रहा है। मई माह में घर वालों ने दोनों की सगाई भी करवा दी, लेकिन बात आगे बढ़ती उससे पहले ही उसके जीजा ने शादी में अड़चन पैदा करनी शुरू कर दी। लक्ष्मी ने बताया कि उसके जीजा ने मेरी शादी मनोज के साथ ना हो इसीलिए उसके मम्मी पापा को भड़का दिया, जिसकी वजह से दोनों की सगाई टूटने की कगार पर आ गई। लेकिन लक्ष्मी इस बीच मनोज सेनी को अपना दिल दे चुकी थी और उसी से शादी करना चाहती थी। उसने अपनी इच्छा परिजनों को बताई, लेकिन परिजन सगाई तोड़ने की जिद पर अड़ गई, जिस पर 6 जून को लक्ष्मी व मनोज ने एक दूसरे का होने के लिए अपना घर छोड़ दिया और गाजियाबाद पहुंच गए। गाजियाबाद में दोनों ने पहले आर्य समाज में शादी कर शादी के बंधन में बंध गए और इसके बाद में इस प्रेमी युगल ने कोर्ट में पहुंचकर कोर्ट मैरिज कर ली। लक्ष्मी ने बताया कि दोनों की शादी की सूचना जैसे ही घर वालों को हुई तो लक्ष्मी के जीजा नवरतन और रमेश ने उन्हें जान से मारने की धमकी दे डाली। लक्ष्मी ने बताया कि उसके जीजा ने धमकी दी है कि या तो मार देंगे या मर जाएंगे। इसके अलावा उसे घर में नहीं घुसने की भी धमकी दी गई है। धमकी मिलने के बाद लक्ष्मी मनोज के साथ एसपी दफ्तर पहुंची, जहां उन्होंने सुरक्षा की गुहार लगाई है।